मैं जानती हूँ ये कत्ल आपने नहीं किया। मैं जानता था चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, एक फर्द है जिससे मेरी बेगुनाही का यकीन है, पूरा यकीन। तो बहुत ही लाभ मैंने बात कर ली है, फोन भी मिल जाएगा आपको। हुस्ना ऐसा कैंपेन चला रही है आपके खिलाफ, तो वो लड़की अदीला वो लड़की सिर्फ मौसमी फूल थी जो लू के पहले थपेड़े से उछवा गई, रुख बदल लिया उसने, रिजवी के ग्रुप में घुस गई। रिजवी साहब का ग्रुप भी नहीं रहेगा, उनके खिलाफ भी पैनी ने वैसा ही वीलॉग बनाया, वायरल हो गया, काफी बदनामी हुई। क्या? जी हाँ, रिजवी साहब के मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें, गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही। जाते जाते पैनी जाते जाते सब की ऐसी की तैसी कर गई। औरत को शायद कोई भी कभी भी नहीं समझ पाएगा, यानी ये सब कुछ करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। हिम्मत हर एक औरत को समझने के बजाय अगर किसी एक औरत को समझा जाए और उसके साथ सच्चा ताल्लुक बनाने की कोशिश की जाए तो शायद मुआशरा बेहतर हो। मैंने वकालतनामे पे साइन कर दिया, ये लोग मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं कर रहे, शायद फोन के रिकॉर्ड से पता लगाए। अहमद जरियाब, मैं आपको यहां से ले जाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे यकीन है शकी सरियाब, पूरा यकीन। किसी चीज की जरूरत? खाना पीना ठीक है? तबीयत? करती हूँ कुछ। फोन मिल जाएगा आपको, सिगरेट का भी कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब। नए सेमेस्टर में मिस ताबिंदा फिर पढ़ाएंगी। अब हम तुम तो नहीं? मैं सेलिब्रिटी हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब वो हमारा, मेरा मतलब है मेरा। तुम मुझसे इतना नाराज हो? नहीं जा रहा, मैं तुमसे नाराज नहीं। अच्छा लो ये चॉकलेट खाओ, नहीं होना तुम मुझसे नाराज, हम अभी भी दोस्त हैं ना।
हाँ है, मगर जहाँरा तुम्हें वो हिम्मत नहीं है जो मशहूर होने और आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। पूछ रही है, सही कह रही हो तुम, और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मशहूर हो जाओ। वो तो मैं हो ही जाऊंगी। अभी कल पैनी साहिबा के लिए एक नज़म पढ़ी थी, वायरल हो गई। हाँ, वो कितनी अच्छी नज़म थी, तुमने खुद लिखी थी? अरे नहीं, रिजवी साहब ने बदनाम होने से पहले दो तीन नज़में भेजी थी, उन्हीं में से एक थी। रिजवी साहब वो बेचारे नहीं हैं, सारी जिंदगी जो करतूत किए हैं वही सामने आ रहे हैं, भुगते हैं अब। ओ हुस्ना, ऐसे तो सबकी बातें निकलेंगी, और अगर हमारे बारे में भी बातें। हमारी क्या बात? यही कि हम शायरी खुद नहीं लिखते हैं। ये साजिश है मेरे खिलाफ, और ये काम जरूर अहमद ज़रियाब ने ही किया होगा। अहमद ज़रियाब साहब जेल में है, और पैनी साहिबा वो फौत हो चुकी हैं। मेरी बेटी और मेरी बीवी ने मुझे घर में दाखिल नहीं होने दिया। एक दोस्त के यहाँ बैठा हूँ, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं अदालत जरूर जाऊंगा और एक एक को घसीटूंगा जो जो इस चीज में मुलव्वस है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम हंस रही हो? देख रही हो कि किसी के सच ने, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, कैसे कैसे मर्दों को चोर बना दिया। तुम इन लोगों के साथ मिली हुई हो ना? किन लोगों के साथ? यही जो सब कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ सच के साथ हूँ। समाने भर की झूठी लड़की जो दो लफ्ज भी नहीं लिख सकती, वो सच के साथ कब से हो गई? अच्छा, कल तक तो बड़ा टैलेंट नजर आ रहा था मुझ पे। बको मत, याद रखना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपकी कहानी भी खत्म हो चुकी है, मैं क्यों ऐसे निमरता ताल्लुकात को आगे घसीटूंगी।